सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और गाइस आगे भी अच्छे ही रहना। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जनवरी मंथ से अपना एलिट पास नहीं आने वाला, ठीक है, अपना बुया पास आने वाला है। लेकिन भैया यहाँ पे भाई काफी सारे बंदों का क्वेश्चन ये है कि जो अपना जनवरी मंथ का बुया पास है उसे लेने के लिए कितने डायमंड देने पड़ेंगे। तो भाई टेंशन मत लो, ठीक है, कितना डायमंड लगेगा गाइस ये यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। और गाइस आपको पता होगा, ठीक है, अपना जनवरी मंथ बुया पास के अंदर का से तीन बंडल है। लेकिन गाइस यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है कि भाई ये तीनों बंडल हमको ऐसे ही नहीं मिलने वाला, ठीक है, हमें इससे अपग्रेड करना पड़ेगा। अब यार सारा चीज बताऊंगा, ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं कि ये जो बुया पास का बंडल है गाइस ये बंडल हमको मिलेगा कैसे। तो नॉर्मली जैसे हमारे एलिट पास के अंदर हमको लास्ट में मेल का बंडल मिलता है, ऐसे ही गाइस हमारे बुया पास के अंदर आपको ये वाला मेल का बंडल मिल जाएगा। लेकिन भाई रुको, जरा सबर करो। तो देखो गस बुया पास के अंदर हमको ये वाला कलर ही मिलेगा, ठीक है, बाकी के दो गस कलर है उसे अगर आपको चाहिए तो भाई आपको इस बंडल को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये समस्या है, आपको याद होगा अपने FFWS इवेंट के अंदर गैलेक्सी ईवो बंडल आया था और उस बंडल के जो भी का स्पेशल इफेक्ट थे भाई, उस बंडल के जो भी कलर थे गस वो हमको ऐसे ही नहीं मिले थे, ठीक है, हमें उसे अपग्रेड करना पड़ा था और अपग्रेड हमने इस वाले टोकन से किया था। तो बस गस वैसे ही अपना जो बुया पास का बंडल है उसका जो भी गस कलर है उसे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले कैसे जो कलर है, ठीक है, कैसे ये वाला कलर कैसे ये तो हमको बुया पास के अंदर से मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद जो कैसे दो कलर है कैसे येलो कलर और भाई जो ब्लैक कलर, इन दोनों कलर को हमें निकालने के लिए इस बंडल को अपग्रेड करना पड़ेगा। और इस बंडल के अंदर दो स्पेशल इफेक्ट है, ठीक है, और भाई उसे भी हमें यूज करने के लिए इस बंडल को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के लिए हमारे पास ये वाला टोकन चाहिए होगा, ठीक है, और भाई ये जो टोकन है कैसे इसे हमें डायमंड से परचेस करना पड़ेगा। टोकन के लिए कितने डायमंड देने पड़ेंगे कैसे मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताता हूँ। लेकिन बस सबसे पहले मैं तुम्हें बंडल के कुछ स्पेशल इफेक्ट को दिखाता हूँ। तो जब गाइस आप लोग गन को स्विच करोगे गाइस तब इस वाले बंडल के पीछे से इमोजी निकलता है, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा। और गाइस जब आप लोग फायर करोगे गाइस तब आपके ऊपर भाई किल इफेक्ट और भाई पीछे से इमोजी निकलने वाला है, ठीक है। तो यही दो स्पेशल इफेक्ट आपको इस वाले बंडल के अंदर मिलने वाले है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इस वाले बंडल को अपग्रेड कैसे करना है और भाई अपना बुया पास को लेने के लिए कितने डायमंड लगेंगे। तो सबसे पहले गाइस आपको इस वाले बंडल को अपग्रेड करने के लिए भाई स्टोर से आपको ये वाला क्रेट को परचेस करना पड़ेगा। इस वाले क्रेट के अंदर भाई अपना जो इस वाले बंडल है उसे अपग्रेड करने का भाई टोकन होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का। और अगर बात करें कि भाई कितने टोकन लगेगा, तो देखो भाई इसका कोई भी अभी कंफर्मेशन नहीं है कि भाई कितने टोकन लगेगा, ठीक है। इस वाले इंटरफेस को आप लोग देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से आपको इस वाले बंडल को अपग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे भाई बंडल के भाई जो भी कलर है वो आपको देखने को मिलेंगे और भाई जो भी बंडल का स्पेशल इफेक्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करें कि भाई अपग्रेड करने के अंदर भाई कितना डायमंड लग सकते हैं, तो देखो भाई मेरे ख्याल से भाई 2000 डायमंड तो लग सकते हैं, ठीक है, कम से कम, ठीक है, कम से कम गाइस आपके 1500 डायमंड लग सकते हैं और भाई मैक्सिमम आपके 2000 डायमंड लग सकते हैं, ठीक है गाइस, ये तो कंफर्म है। हाँ तो गाइस ये तो हो गई भाई अपने बंडल की बात, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि भाई बुया पास को परचेस करने के लिए कितना डायमंड लगने पड़ सकते हैं। तो देखो नॉर्मली जो हमारे एलिट पास है गाइस उसे परचेस करने के लिए हमको 499 डायमंड देने पड़ते। तो अब जो ये बुया पास आने वाला है उसे आपको परचेस करने के लिए 599 डायमंड देने पड़ेंगे, ठीक है। अब यार सबसे पहले भाई 599 डायमंड गाइस अपने बुया पास को परचेस करने का, और उसके बाद भाई दूसरा बुया पास का जो बंडल है उसे अपग्रेड करने के लिए भाई 2000 डायमंड। अब यार यहाँ पे भाई टोटल यही निकल के आता कि भाई 2500 से भी ज्यादा डायमंड आपको इस वाले बुया पास के अंदर खर्च करने पड़ेंगे। पैसा ही पैसा होगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि भाई आपको पता होगा, ठीक है, अपने लेब वाले सेक्शन के अंदर नया ट्रेलर सेक्शन आया है और जो अपना गैलेक्सी का ईवो बंडल है गाइस वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो गाइस इसी तरह जब अपना बुया पास आएगा गाइस तब इसका जो ये वाला बंडल है गाइस ये वाला बंडल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यार यहाँ से गाइस आप लोग इस वाले बंडल को कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, अपग्रेड कर सकते हो और भाई बहुत कुछ कर सकते हो। अगर बुया पास का भाई प्राइस इतना ज्यादा है तो भाई अफकोर्स भाई गरेन हमको भाई बहुत ही अच्छे अच्छे लेजेंडरी रिवॉर्ड देने वाला है, जैसे भाई लूट बॉक्स की स्किन है, फीमेल का बंडल है, सफर बोर्ड की स्किन है, बैकपैक
एपिक की स्किन है और भाई लेजेंडरी बंडल है। और गजब की बात यह है कि भाई इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी सी ग्लूड की स्किन भी मिलने वाली है। और भाई इसके बाद नई गन का भाई गन स्किन है और इसके अंदर भी एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं। और भाई जो अपना जनवरी मंथ का बुया पास है गाइस उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ से भाई आपको सभी रिवॉर्ड मिलेंगे। हाँ तो गाइस यही था अपना बुया पास। और भाई नीचे कमेंट के अंदर मुझे बताओ कि भाई ये जो डायमंड लगने वाले है गाइस ये भाई सही है या भाई गलत, ठीक है, आप लोग बुया पास को लेने वाले हो या फिर भाई नहीं, मुझे ये भी कमेंट के अंदर बता देना। बाकी गाइस आज के वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।